दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से मैं एक और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेकर यहां पे आ गया हूं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं चेन लिंक के बारे में। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में चेन लिंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इथेरियम का और नियो का भी फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ जाके आपको मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस का टैब। उसमें आपको मिलेगा इथेरियम का वीडियो जो कि आप अभी यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और नियो का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, प्लस आपको चेनलिंक का वीडियो ये जो होगा वो भी वहीं पर अपलोड हो जाएगा। और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के मैं रिव्यू करने वाला हूँ जो कि आपके वोट्स के थ्रू यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो जाके सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप चैनल के मेंबर यहाँ पे बन सकें। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको मेरी सारी जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे मिल सकें। साथ ही दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाने के बाद यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसे तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पे डायरेक्टली वहाँ पे आ जाए। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेस नहीं कराया तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये परचेस करना चाहिए, ताकि आप अपने मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकें और समझ सकें कि मार्केट के मूव को कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, ताकि आप मार्केट के मूवमेंट को समझ के अपनी नॉलेज को यहाँ पे इंक्रीज़ करके मार्केट के अंदर अच्छे खासी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकें। बाकी की डिटेल जानने के लिए दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, जो कि मेरी मेल आईडी है, जो कि आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक ब्लैक बार जो है इसके में यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, जो कि मेरा एड्रेस है @cryptowell, वहाँ पे भी मैं आपको आपके जो भी क्यूरीज है उनके सॉल्यूशन वहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं चेनलिंक प्रोजेक्ट के ऊपर, देखते हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पे खोली है कॉइन मार्केट कैप, और कॉइन मार्केट कैप पे हम लोग बात करते हैं चेनलिंक जो कि इस प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अगर टिगर की बात करें तो वो है दोस्तों लिंक, जो कि इसका आप सिंबल भी इसे कह सकते हैं, जो कि एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको ये लिंक नाम से पे मिल जाता है। फिलहाल में $2.72 का चल रहा है, और अभी करेंटली थोड़े दिन पहले ही इसने यहाँ पे कुछ $4 के आसपास का अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, और अभी थोड़ा सा उसे आप कह सकते हैं कि 50% डाउन अभी प्राइस यहाँ पे आ चुका है। रैंकिंग की बात करें तो 15 नंबर का रैंक है कॉइन मार्केट कैप के अंदर, जो कि शफल होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्राइस। टोटल सप्लाई दोस्तों इसकी है $1 बिलियन की, और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो वो है $350 मिलियन की। तो जब भी इसकी सप्लाई वापस बढ़ेगी मार्केट के अंदर, जो भी इसमें एक कैप है उसके हिसाब से, तो डेफिनेटली इसके प्राइस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो तो हमें फ्यूचर के अंदर ज़्यादा चीज़ें अच्छे से यहाँ पे पता पड़ पाएंगी। फिलहाल में अगर मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास है, अभी जो मार्केट कैप है वो है $951 मिलियन की, जो कि एक अच्छी खासी कैप है, जिसकी वजह से टॉप 20 के अंदर अभी यहाँ पर लिस्ट हो पाया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका ये चार्ट है, जो कि ये अप्रोक्स चालू हुआ था 0.13 सेंट से, और अभी $4 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कंपनी से उसका पार्टनरशिप है और ढेर सारी चीज़ें हैं। बाकी की अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे आके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाएंगी। अगर दोस्तों आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं इस कॉइन को, तो आप यहाँ से मार्केट पेयर में जाके वॉल्यूम में जा सकते हैं, और यहाँ से जितने भी आपको पेयर्स हैं जो कि अलग अलग एक्सचेंजेस में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सबसे फेमस बाइनेंस, कॉइनबीन, बिटथम, हुबोई, कॉइनबेस प्रो, यानी कि अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पहले स्टे, हुबोई ग्लोबल। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 24 आवर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये चेनलिंक प्रोजेक्ट क्या है और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है यूर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड डेटा इवेंट एंड पेमेंट्स। सिंपली दोस्तों इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो जो चेन लिंक है वो हमारे ट्रेडिशनल डेटा को हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ज्वाइंट कर देता है, और यहाँ पे आप किसी को भी किसी भी वे में पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो चेन लिंक का जो नेटवर्क है वो टेम्पर प्रूफ नेटवर्क है, और आपको ये हेल्प करता है कि किसी भी डेटा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी ब्लॉकचेन से आप किसी को भी यहाँ पे कर सकते हैं।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, लेकिन यही है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं। ये एक्चुअल में डेटा का डायग्राम है। पहला वाला आप ग्राफ समझ सकते हो, दूसरा वाला प्राइवेट डेटा, और तीसरा यहाँ पे आप क्लाउड का डेटा समझ सकते हैं। यहाँ से जो डेटा होता है वो चेन लिंक के इस पोर्शन में आता है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ पे ये पूरा के पूरा जो पार्ट है, ये एक्चुअल में है डेटा का पार्ट, जो कि आपका जो भी एक सर्वर के ऊपर डेटा रहता है, चाहे वो सेंट्रलाइज सर्वर हो या फिर आपका एक डिफरेंट सर्वर हो। चेन लिंक जो है वो एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो कि इस सर्वर से अपने आप को कनेक्ट करता है और ये डेटा को चेन लिंक के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद चेन लिंक जो भी ब्लॉकचेन होती है उसमें ये इस डेटा को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, जिस भी ब्लॉकचेन से वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होना चाहता है, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, या फिर वो किसी अदर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट क्यों ना हो। देन वो प्रोजेक्ट से वापस ये डेटा चेन लिंक के अंदर कन्वर्ट होता है और ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो भी पेमेंट है वो आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को यहाँ पर चेन लिंक सॉल्व करता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो चीज़ उन्होंने बताया कि ये कनेक्ट करता है एक एक्सटर्नल API को जो कि हमने यहाँ पे देखी है, और ये ईजिली कनेक्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो कि आपको चेन लिंक के खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिलेगा, और इन API को फंक्शन कर देता है नेक्स्ट आगे की तरफ ब्लॉकचेन में। उसके बाद ये सेंड करता है पेमेंट एनीवेयर, चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो पेपाल हो, चाहे वो फिर बिटकॉइन हो, और ये डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से या फिर पेमेंट नेटवर्क के थ्रू इसको यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर है स्विफ्ट, गूगल, गार्टनर, IC3, ये सारे के सारे एक बहुत बड़े ब्रांड्स है जो कि इसके साथ अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्रांड अगर आप पेमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो वो है दोस्तों यहाँ पे स्विफ्ट। गूगल भी इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, चाहे उनका गूगल पे हो या फिर कोई दूसरा हो। तो ये दो बहुत बड़े ब्रांड है कि जो कि इसके अगर सर्विस को यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ केस आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे निकल के आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो डायग्राम है अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे समझाया है पूरी प्रोसेस को कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। इसको भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर कोई ना कोई सा एक इनपुट डाला जाता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अब इनपुट के अंदर आपका कोई भी डेटा हो सकता है, उस डेटा को प्रोसेस करा जाता है चेन लिंक के ब्लॉकचेन के ऊपर, या सॉरी चेन लिंक के डेटा के ऊपर, क्योंकि जो चेन लिंक है वो एक्चुअल में ERC20 टोकन है, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये जो है ये इथेरियम के ऊपर बना हुआ एक टोकन है। देन ये फिर अपनी ब्लॉकचेन में जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है। ब्लॉकचेन एक्चुअल में हमारे पास इथेरियम है चेन लिंक के केस में, और फिर ये वापस से चेन लिंक में कन्वर्ट होकर जो भी आउटपुट होता है उस पार्टी को यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसके काम करते हैं और एंड टू एंड ये एकदम रिलायबल होते हैं, क्योंकि जो भी डेटा इसमें इनपुट होता है वो सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाके ही आउटपुट तक पहुँचता है। तो इसके बीच में इसकी कोई भी फेलियर के यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं रहती है, और ये एकदम टेम्पर प्रूफ डिजिटल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे काम सारे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर है, हाईली रिलायबल है। लेकिन इस पर बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, और इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो अभी स्केलेबल इतनी नहीं है। हालांकि December 4, 2019 को इथेरियम का आप कह सकते हैं कि हार्ड फोर्क या सॉफ्ट फोर्क है एक तरीके से, जहाँ पे कि इथेरियम 2.0 अप्लाई हो जाएगा, तो शायद उसके बाद जाके इनकी जो चेन है वो और ज़्यादा स्केलेबल यहाँ पे हो जाए। तो फिलहाल में इनकी जो एक कह सकते हैं जो पोर्टल लैक है वो बस यही स्केलेबिलिटी है, बाकी इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में बस इतना ही था, लेकिन अगर आप इसके मेननेट को ट्राई करना चाहें तो इसका जो मेननेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जो कि इथेरियम की चेन पे है। इसके साथ साथ ये बाइनेंस की चेन, ब्रेव न्यू कॉइन चेन यानी कि बैट टोकन, कॉइन मार्केट कैप, क्रिप्टो कंपेयर, काकाओ चेन और random.org को यहाँ पे सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी दोस्तों बात क्या है चेन लिंक की, कि ये मल्टीपल डेटा को फैच कर सकता है और आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है एट ए टाइम के अंदर। साथ ही साथ अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो चेन लिंक है वो बेसिकली जो डेटा को यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है वो अपने खुद के एक डिसेंट्रलाइज ओरेकल के अंदर यहाँ पे लेके आता है डेटा को और उस चीज़ को वहाँ पे प्रोसेस करता है। तो वही डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ओरेकल की बात करी गई है, जो कि मेननेट के ऊपर है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेटा इनपुट्स है वो चेन लिंक के प्रोजेक्ट्स में डाले जाते हैं, और फिर वो जाके यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो भी पेमेंट्स होते हैं यहाँ पे, जो भी ब्लॉकचेन होती है उसमें जाके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इसमें कोई भी आपको नोड बनाई जाती है या फिर कोई सा भी एक सर्वर बनाया जाता है जहाँ से कि ओरेकल का डेटा को फैच करा जा रहा है, जो भी ओरेकल एक जगह पर है वहाँ पे उन सभी को एक ID असाइन करी जाती है, और जो भी वो जॉब ID होती है वो अवेलेबल होती है ओरेकल के अंदर। तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो ये है Cetus 1 चेन लेयर, तो ये सारे दोस्तों नोड्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सारे के सारे ओरेकल के डेटाज हैं, और ये उनके एड्रेसेस है ओरेकल के। यहाँ पे उनका प्राइस लिखा हुआ है कि अगर आप इस ओरेकल से वो डेटा को फैच करना चाहते हैं
तो आपको 0.1 लिंक इन यहाँ पे देना होगा। तो इनका जो टोकन है लिंक, या फिर आप उसको चेन लिंक कह लें, तो जो लिंक टोकन है वो बेसिकली इसी काम आता है कि जब भी आपको कोई डेटा ऐसे प्रोसेस करना है तो वो इजीली यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप दोस्तों, वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आए तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ इसी तरीके की अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीख सकें। और बस दोस्तों, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।